चौंगी धौलपुर में शहीद की पत्नी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही हैं, फर्स्ट इंडिया से बातचीत कर रही हैं, सीधे लिए चलते हैं। कि उनकी शहादत की वजह से आज हमारा वजूद कायम है और देश की रक्षा करते करते शहीद हुए जैतपुर के भागीरथ के परिवार के हम इस समय साथ हैं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जैसा कि अभी यहाँ पर चिकित्सकों ने उनकी जांच की है। जज्बा है, दुख सबको है खोने का, लेकिन गर्व भी है कि वो देश के लिए उन्होंने जान दी है। आपका भी एक बच्चा है, क्या बच्चे को फौज में भेजना चाहोगे? पहुंचाऊंगा, अभी जगह खाली है, मेरी की जगह पर मैं जाऊंगा। दस और क्यों भेजेंगे? नए साल के पीछे दुश्मन अंते बैर ले भी जाऊंगा, दुश्मन अंते बैर ले भी जाऊंगा। पहुंचाऊंगा, मैं 20 साल पीछे पने है, दुश्मन ने मैं के संग कराओ घटिया ही तैसी गो। सरकार से कुछ चाहोगी कि सरकार कुछ आपकी मदद करे, क्या क्या मांगे आप? दुश्मन ने मैं के संग घटियाई करी है, चाचा रोड़ा गया तैसे बेटे ने बिने को हुआ है, मैं के संग ऐसा ही हुआ है, तब शांति आवेगी छाती पे। बिल्कुल कह सकते हैं कि बोझिल और अवसाद के क्षण बड़े ही कठिन हो जाते हैं, इस दौर से गुजरना। दो मासूम बच्चे हैं, जिसमें 3 साल का बेटा है और 1.5 साल की बेटी है, जिनको जीवन और मरण में क्या फर्क होता है कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि हमारी वीरंगना रंजना से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि 20 साल बाद वो अपने बेटे को भी फौज में भेजेंगी, जिससे कि वो दुश्मनों से बदला ले सके। तो देखिए, यहाँ पर एक शहीद की पत्नी जिसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन बस एक बात दोहरा रही है, कुछ नहीं चाहिए, मत दीजिए कुछ मदद, बस बदला लीजिए। और वो अगर आपके बस की नहीं है तो 20 साल बाद जब बेटा जवान होगा तो वो बदला लेने जाएगा अपने।